हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज सईद वंश के इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सईद वंश के सभी शासकों को याद करेंगे, ठीक है, बहुत आसान ट्रिक के साथ और सारे शासकों को याद करेंगे। ठीक है, चलते हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि सईद वंश दिल्ली सल्तनत पर 37 वर्षों तक शासन करते हैं सईद वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन होता है, तो खिज्र खां। ठीक, खिज्र खां 1414 में शासक बनता है और 1421 तक शासक रहता है। ठीक, उसके बाद फिर मुबारक शाह आते हैं 1421 में, 1421 से लेकर के 1434 तक मुबारक शाह शासन करता है। उसके बाद मोहम्मद शाह शासक बनते हैं, मोहम्मद शाह 1434 में शासक बनता है, 1443 तक शासक रहता है। उसके बाद आलम शाह शासक बनता है, आलम शाह 1443 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, तो आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक होता है, इसके बाद सैयद वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने शासकों का क्रम देखा और उनका शासन काल को देखा। ठीक, अब चलते हैं ट्रिक की ओर। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी, खिज्र खिज्र मुबारक, खिज्र मुबारक में मोहम्मद मोहम्मद आलम को पीटा। ठीक, ये हमारी आज ट्रिक है। क्या है ट्रिक? खिज्र मुबारक ने मोहम्मद आलम को पीटा। ठीक है, तो खिज्र और मुबारक दो व्यक्ति हैं, यह मोहम्मद आलम को पीटते हैं। ठीक है, तो खिज्र मुबारक ने मोहम्मद आलम को पीटा। ठीक, दो व्यक्ति एक व्यक्ति को पीट रहे हैं, किसको? खिज्र मुबारक दो व्यक्ति हैं और आलम मोहम्मद आलम को पीट रहा है। ठीक है, तो खिज्र मुबारक ने मोहम्मद आलम को पीटा, ये ट्रिक है। अब इसी ट्रिक से शासकों को याद करेंगे। खिज्र से बना हमारा खिज्र खां और मुबारक से बना हमारा मुबारक शाह और मोहम्मद से बना हमारा मोहम्मद शाह और आलम से बना हमारा आलम शाह। ठीक है, तो कितनी आसानी तरीके से हमने याद कर लिया। तो ट्रिक क्या थी? खिज्र मुबारक ने मोहम्मद आलम को पीटा। तो हमने देखा कि खिज्र से बना हमारा खिज्र खां और मुबारक से बना हमारा मुबारक शाह और मोहम्मद से बना हमारा मोहम्मद शाह और लास्ट में आलम से बना हमारा आलम शाह। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना हमें। थैंक यू दोस्तों।